फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह पोल्ट्री। फ्रेंड्स, हमारे पोल्ट्री फार्मर के लगातार कमेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं कि उनके पोल्ट्री में घर घर की आवाज है, सीआरडी हो गई है, वो मुर्गियां उनके छींकने की शिकायत है। तो फ्रेंड्स, ये गर्मी में आखिर क्यों, ठंडी में तो मान लेते हैं कि ठंड का मौसम रहता है तो ये सब सर्दी वाला सीजन रहता है तो उसमें हो सकता है, लेकिन अभी गर्मी में ऐसा क्यों हो जा रहा है? इसके सबसे पहले मैं रीजन बता देता हूँ ताकि उस कारण को समझे और उस चीज से बचे और अपने पोल्ट्री फार्म को बिल्कुल सुरक्षित रहे। सबसे पहले जो इसमें पहला जो सीआरडी होने का कारण है वो है लापरवाही। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने फार्म में टेम्परेचर को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं तब पोल्ट्री फार्मिंग करना काफी आपके लिए जो है वो दिक्कत साबित हो सकती है। मैं बिल्कुल आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं हूं आपके साथ में, लेकिन सच्चाई आपको बता दूं ताकि उससे बिल्कुल आप बच सकें और उस चीज से करने से बिल्कुल सोच सके और क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी डिसीजन आप ले सके। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, शाम के समय में उमस काफी ज्यादा रहता है। अगर आप सब पहले ही अगर सूर्यास्त के समय आप अगर पर्दा गिरा दीजिएगा तो उमस हो जाएगी, वो भी उसमें भी मोर्टिलिटी आने के चांसेस है, तो करे क्या? और अगर रात भर पर्दे को छोड़ देते हैं तो फिर देखते हैं कि सुबह में जो है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, आपको फ्रेंड्स पता नहीं चलता है, क्योंकि आप 9 बजे 10 बजे रात तक बिल्कुल सो जाते हैं और उसके बाद में सुबह जब 5 6 बजे उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे पोल्ट्री तो नॉर्मल है लेकिन उसके बीच में 2 3 4 ये 3 घंटा जो हमारे पोल्ट्री किस हालत में रही है उसको हम लोग पोल्ट्री फार्म में देखने नहीं जाते हैं, और यही वो कारण रहता है जिसका कि खामियाजा बहुत सारे फार्मर को भुगतना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप अगर 9 10 बजे सोने जाते हैं, अगर देखिए कि आपका फार्म ठंडा हो चुका है तो 10 बजे करीब में अपने फार्म का पर्दा गिरा दीजिए ताकि वो रात भर आराम से कम रहे, और सुबह में जब आप पोल्ट्री फार्म में जाते हैं 5 बजे 5:30 बजे तो उस समय आप पर्दे को बिल्कुल उठाइए, ठीक है? जो रात का समय रहता है, जो भोर का समय रहता है एक्चुअली जिसको बोला जाए, तो उस समय बिल्कुल ठंडा हो जाता है और दिन भर पोल्ट्री बिल्कुल गर्मी में रहती है, रात को अचानक से बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो यही कारण है सीआरडी होने का, ठीक है? अगर हम लोग धूप से आते हैं और पानी पी लेते हैं तो बहुत कोई मना करता है कि धूप से आने के बाद पानी मत पियो, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी संभाल नहीं पाता है और वो सर्दी हो जाता है। तो सीआरडी भी पोल्ट्री के लिए एक सर्दी के समान है, और दवा मैंने आपको कल ही बता दिया था, काफी ज्यादा वीडियो मैंने सीआरडी पे बना लिया है। सीआरडी के लिए कोलिस भी एक सबसे नंबर वन दवा मैं देखता हूँ, साथ ही साथ आप जो है वो कोलिस भी अगर नहीं काम कर रहा है, अगर सीआरडी बढ़ चुकी है तो ओफ्लोक्सासिन आप दे सकते हैं, ठीक है? तो एंड्रोडेक दे सकते हैं, इन सब दवाओं को आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत है, कोई नए फार्मर है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारा नंबर ले सकते हैं और जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत है कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।